हे गाइस, वेलकम टू नेचर पाथ। नेचर पाथ आज आपके लिए लेकर आया है फ्रूट क्रीम कस्टर्ड। इट्स अ सिंपल, टेस्टी एंड हेल्दी डेजर्ट दैट इज लव्ड बाय ऑल एंड मोर सो बाय द किड्स। इस स्वीट डिश में टाइम जो है बहुत कम लगता है, प्रिपरेशन टाइम कम है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो भी इजिली घर पर मिल जाते हैं। ये कस्टर्ड से बनता है एंड यू कैन चूज द फ्लेवर ऑफ कस्टर्ड एंड फ्रूट्स एज पर योर चॉइस। एंड ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बच्चे फ्रूट्स नहीं लेते हैं और इसमें वैरायटी ऑफ फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये स्वीट डिश बहुत नाइस एंड सूदिंग फीलिंग देता है जब आप इसको खाने के बाद लेते हैं। तो हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स यूज होने वाले हैं। इसमें हमको कस्टर्ड चाहिए, जो मेन है वो कस्टर्ड है, वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड है ये। और इसमें यूज करते हैं फ्रेश क्रीम जो आप अमूल का ले सकते हैं, और रुअब्जा जो रोज से बनता है, और इसमें हम ले रहे हैं क्रश्ड शुगर। देन हमने लिया है ड्राई फ्रूट्स जो हमने इसको स्लाइसेस में पतला पतला कट किया है। यह है ऑरेंज जो हमने ऑपोजिट साइड से कट करके इसको एज गार्निश के लिए यूज करने वाले हैं। इसको मैंगोज लिए हैं को बारीक बारीक आपने चॉप किया है, मैंगो से आइसक्रीम का फ्लेवर देगा। एप्पल्स लिए हैं जिनको भी बारीक आपने काट लिया है। पोमेग्रेनेट लिए हैं, इनको वन बाउल के करीब हमको लेना है। इसमें अंगूर लिए हैं जिनको पतला स्लाइसेस में कट किया है, आप ब्लैक वाले भी ग्रेप्स ले सकते हैं। इनमें स्ट्रॉबेरीज लिए हैं जो कि गार्निश के लिए भी यूज करना है और वैसे भी हम लेयर्स में यूज करने वाले हैं। अभी हम कस्टर्ड की रेसिपी बता रहे हैं, सबको पता है बट फिर भी आपको बता दें कि आपको पहले मिल्क लेंगे, उसको बॉईल करेंगे एंड जब मिल्क जो है बॉईल हो जाएगा उसमें शुगर ऐड कर देंगे। अब आप कस्टर्ड लेंगे एंड इसमें 1/4 कप मिल्क से आप इसको मिक्स कर देंगे, ऐड कर देंगे और इसका अच्छा सा मिक्सचर बना देंगे एंड मिक्स इट वेल टू रिमूव ऑल लम्स। और आप इसको मिल्क में मिक्स कर देंगे और उसको स्टिर करते रहें, कंटिन्यूसली इसको स्टिर करते रहें, नहीं तो इसमें लगने का डर रहता है। कंसिस्टेंसी गाढ़ी होनी चाहिए। इस रेसिपी में हमको जो कस्टर्ड है वो थोड़ा गाढ़ा कस्टर्ड लेना है। कस्टर्ड बनकर रेडी है। इसमें हमने बादाम लिया है, पिस्ता लिया है। पिस्ता अगर नमकीन है तो आप इसको पानी में 10 to 15 minutes रखेंगे तो सारा इसमें जो सॉल्ट है रिमूव हो जाएगा। देन इंस्टेंट यूज के लिए आप इसे माइक्रो में 2 मिनट्स रखिए और उसको आप कवर इसके पील करके और इसको आप स्लाइसेस में कट कर लेंगे। सिर्फ इस रेसिपी में हमको लेयर्स बनानी है तो इसके लिए फ्रेश क्रीम हम यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको फ्रेश क्रीम लेना है। इसमें हम इसको स्वीट करने के लिए इसमें हम क्रश्ड शुगर हमने लिया था वो हम इसमें यूज करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। वन साइड हमने थोड़ा सा और क्रीम लिया है, उसमें हम जो रोज वाटर है, जो हमारा रुअब्जा है, उसको हम 1 tablespoon के करीब उसको मिक्स करेंगे। डिपेंड करता है आपकी कितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं तो उसको थोड़ा कम यूज करेंगे। देन आप इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आपके पास 2 layers रेडी हो गई हैं, एक वाइट क्रीम और एक आपका पास पिंक। आप देख सकते हैं कि हमारा जो कस्टर्ड है उसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी है, आपको इतना ही रखना है। इसका एक अच्छा सा लेयर हम बेस रेडी करेंगे। देन इसमें हमने एप्पल्स डाले हैं और इसमें हम लेयर्स करते जाएंगे इसको। अब आप इसमें अंगूर की लेयर देंगे जो हमने पतले साइजेस में करा है, फिर पोमेग्रेनेट लेंगे। इस तरह से जितने भी फ्रूट्स आपके होंगे, ये मैंगो है, समर्स में इजिली अवेलेबल है, बनाना कर सकते हैं आप। अब आप इसके बाद जो हमारा व्हाइट क्रीम है उसका पूरा लेयर कर देंगे। देन आप इसमें अब ड्राई फ्रूट्स को लेयर करेंगे एंड कीप लेयरिंग द वे अल्टरनेटली विद फ्रूट्स एंड कस्टर्ड सॉस।
टाइम हमने इसमें यूज़ करा है अब रोज़ वाला फ्लेवर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस डिश का। एंड कीप लेयरिंग। एंड देन लास्ट में हम इसको क्रीम जो था उसको थोड़ा बचा के रखेंगे, उससे हम डेकोरेट करेंगे, पूरा गार्निश करना है इसको ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स। ये जो डिश है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मेरी बहुत एक फ्रेंड आंटी हैं, बेला आंटी, ये उनका अपना डिश है। वो बहुत अच्छी कुक हैं और उनकी जो डिशेज़ हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं, बहुत ही टेस्टी, उनके हाथ में बहुत ही टेस्ट है। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी उनको कि मैंने उनके घर पे ये खाई थी, अंदर मैंने उनसे बोला कि प्लीज़ आप मेरे घर पे भी आके इसको बनाइए, क्योंकि मैं अपने वीडियोज़ में शेयर करना चाहूँगी। अब देखिए, आपने स्ट्रॉबेरीज भी लेयर करना था एंड इससे हमने गार्निश किया है स्ट्रॉबेरी से इसको, इसका जो लुक है एकदम फर्स्ट क्लास होके आया है, बहुत टेस्टी एंड यम्मी लुक में आ गया है। नाउ फ्रूट क्रीम कस्टर्ड इज रेडी, जिसकी लेयर्स हैं वो कितना ब्यूटीफुल लग रही हैं, येलो वाइट एंड पिंक। ये बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी डेजर्ट है जो आप खाने के बाद ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसको आपको फ्रिज करना है, इसको फ्रिज में ही रखना है, बाहर नहीं रखना है। एंड जब आप इसको सर्व करते हैं आपको साइड से लेना है, जिससे कि सारी लेयर्स एक पर्सन को मिल सके, जिससे इसका पूरा फ्लेवर आता है। तो आप इसे चिल्ड यूज़ करेंगे और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।